ये देखिए रूपतारा जी एकदम थक गई है, चल तक नहीं पा रही है, तो अब क्या कहें। इनके कारण ही भाई मेरा जब भी 2 रुपया 1 रुपया कमाते इनके कारण ही खर्चा हो जाता है, यही समझिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और आप लोगों के दुआ से एकदम मस्त हूँ। और हमारी रूप तारा का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण कई हम लोग जा नहीं पाए, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा, फिर भी वही स्थिति। तो इसलिए हमने सोचा कि अब हम लोग यहाँ से आज डायरेक्टली घर चल जाते हैं। मम्मी भी बार बार फ़ोन करके बोली कि घर आ जाओ, घर पर देखा जाएगा। सुधर देख सकते हैं हमारी बच्चा बुच्चे एकदम तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, और अब हुंटी को लेके हम जा रहे हैं अपने घर। और इधर देखिए हमारी रूप तारा को देख रहे हैं, कुछ बोलती बोलती नहीं है जैसे लग रहा है, नहीं बोलोगे, इशारा से बुलाती है। देखिए गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। और देख सकते हैं बोल भी नहीं मतलब पाती है, सो कोई नहीं, आई रेडी हो चुकी है, हम भी रेडी हैं और आज जा रहे हैं हम लोग अपना घर। यहाँ थे और यहाँ वीडियो वगैरह अपलोड करने में दिक्कत नहीं हुआ करता था क्योंकि वाईफाई था और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया, अच्छा अच्छा क्वालिटी में वीडियो भी आप लोग को दिए। हालाँकि हम लोग सोचे थे कहीं दूर लंबा टूर चलेंगे, लेकिन क्या कहें, तबीयतें खराब हो जाता है। सो कोई नहीं, आप लोग बने रहिए, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकलते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं और हम लोग आज घर जा रहे हैं, ठीक है, बने रहिए। इनको देखिए, ए स्कूल मैन, कहाँ है? कौन स्कूल? बोर्डिंग स्कूल, यानी कि यहाँ का जो प्राइवेट स्कूल होता है ना उनका नाम यानी कि यहाँ बोर्डिंग कहते हैं, है ना? हाँ सही बात है ना, हिंदी बोलने होता है, है? हुंदे ना, नेपाली बोला था, बोला ना। और देख सकते हैं और ई भुंटी जा रही है हम लोगों के साथ रक्षाबंधन में हमारे रणवीर को राखी बांधने के लिए। क्या भुंटी है, इनको भी हिंदी नहीं होता बोलने के लिए, देख सकते हैं। और एक और है छोटी, और हम दिखाते हैं, इधर देखिए इनको, देखिए इनको खाली इंग्लिश होता है, ए इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। सो कोई नहीं, आप लोग बने रहिए। और हमारी दीदी भी आ गई है, दीदी ए कहाँ रह गए थे जी? हैं आए तो रहा कुछ है भन्नू को चक्कर न थे ने क्वाल ले पार्चस यार। और हमारी दीदी भी आ गई, आप देखिए टनगर तुरंत उठ गई, एकदम रेडी हो है। सो कोई नहीं, अब हम चल रहे हैं। और एक हमारी दीदी है जो कहाँ है पता नहीं। सो कोई नहीं, आप लोग बने रहिए और हम यहाँ से अब निकलते हैं, वाईफाई बहुत याद आएंगे। क्या उंटी, उधर तो वाईफाई नहीं है, हमको पुल्ला में जाना पड़ता है वीडियो अपलोड करने, कभी धार जाना पड़ता है, कभी छत पे जाना पड़ता है, क्या? सो कोई नहीं, आप बने रहिए। और हम लोग यहाँ से निकल दिए हैं, है ना, हम लोग निकल दिए यहाँ से डायरेक्टली, क्या कहते हैं, इंडिया के लिए। और साथ में भी है हमारी बेगनी भी जा रही है, तो कोई नहीं, आप लोग बने रहिए। वहाँ बॉर्डर के उस पार स्कॉर्पियो है, देखिए सचिन को बोले हैं रुकने, वहीं है, तो कोई नहीं, बने रहिए। और हम लोग देख सकते हैं निकल गए और यहाँ पीछे स्कॉर्पियो लग गई है, स्कॉर्पियो को हम लोग बैठेंगे। और इसलिए वीडियो नहीं दिखा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था और मोबाइल का एलो भी नहीं था, इसलिए बाय कर दिया। तो सचिन भाई वगैरह हमारा बैठ चुके हैं और रूप तारा बैठेगी, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। सो कोई नहीं, आप बने रहो। और भाई और सॉरी सबसे पहले, क्योंकि वीडियो हम इसलिए नहीं बना पाए कि मेरे पास देख रहे हैं कितना सामान वगैरह है यार, अब बहुत ज़्यादा बैग वगैरह है मेरे पास, तो वीडियो हम इसलिए नहीं बना पाए। और चार चक्का से हम लोग उतरे और वहाँ से डायरेक्टली पहले मार्केट गए, मार्केट में जाने के बाद रूप तारा जी ने सूट वगैरह 3 वो लिया दुकान में, उसके बाद
लाइन बाय लाइन जोगबनी में जैसे दुकान हुआ करता है वहाँ था, तो ओढ़नी वगैरह देखी, तो वो तो मैंने क्लिप बनाया था और ओढ़नी वगैरह देखी जो कि पसंद नहीं आया इनको, है ना रुपतरा। और गांव आ गए, कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है। और हम लोग फाइनली यहाँ गांव में आ गए, अपना गांव में, और इधर देख सकते हैं इधर पानी आ गया है बहुत ज़्यादा, है ना रूपतरा जी। कह रहे कि चलल नहीं जा रहा है, कि चलल न जाला कि गोर लपटाला दर्द बाटे राजा जी। ये देखिए गाना कैसे कहीं रूपतरा जी गा देती, गोदी में उठा लीजिए। तो इधर देख सकते हैं पानी हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा आ गया पानी, तो कोई नहीं है पहले, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो रूपतरा जी धूप लग रहा है, भाग रहा हूं, नहीं जाएंगे। कहे रूपतरा जी को चलना मुश्किल सा हो रहा है, दो बैग तो हम भिजवा दिए और दो बैग मेरे गर्दन में है, और रूपतरा जी वैसे जा रहे, साड़ी का पल्लू संभल नहीं रहा, ऐसा कुछ है। सो कोई नहीं, आप लोग बने रहिए। और बाप रे देखो तब पानी आ गया, हाँ जी पानी बहुत ज़्यादा आ गया, और गाड़ी लेके कोई आ रहा है। सो कोई नहीं, आप लोग बने रहिए। देखिए जैसे ही गाड़ी आया मैंने भेज दिया सचिन भाई वगैरह को, देख सकते हैं। और इधर देखिए पानी कितना आ गया रूपतरा, देख रही हो पानी कितना आया है भाई। एगो पर्स तोरा नहीं समझ रहा है, चलत चलल नहीं खे जात, बताइए हैं नहाने जाएगी, पता चलेगी डूब के खत्म हो गई। तब लगता हमको तैरने नहीं आता, तैरने तो तुमको नहीं आता। चलिए नहीं, पानी से कहीं भी नहीं खेलना चाहिए, जय हो कोसी महारानी। ये देखिए रूपतरा जी एकदम थक गई है, चल तक नहीं पा रही है, तो अब क्या कहें हम। उठिए उठो, चल तक नहीं पा रही है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। सो कोई नहीं, गाड़ी आने में फिर 5 मिनट लगेगा। और देख सकते हैं वो हमारा वीडियो बहुत देखता है, जब हम उनके दुकान पर जाएंगे ना, विकास भैया हो ऐसे वो कहेंगे। सो देख लीजिए बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए हैं, और कहा ना बताएं, सब आदमी वाइटे वाइटे पहने, क्या बात है, क्या बात है, कुछ लगन लग गया है ना, इसलिए हम लोग जितने भी आए थे खाली हमारी भेगनी जो है वो नहीं पहनी है, बाद बाकी हम लोग सब लोग वाइट वाइट ही पहने हैं। सो कोई नहीं, आप डायरेक्टली घर जाएंगे फिर उसके बाद दिखाएंगे, क्योंकि पानी यहाँ देख लें आप, देख रहे कितना बहुत ज़्यादा पानी आ गया रूपतरा। और रूपतरा को इसी में ढक लेंगे और खूब नहाएगी रूपतरा का, चलिए ना। कितना काली लगती है रूपतरा जी, काला है वो, छी 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 छी। और देखिए भाई इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण हम लोग घर आ गए, क्योंकि पहाड़ में हम लोग जाते ना वहाँ ठंडा बहुत हुआ करता था, और इनका कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया था। सो कोई नहीं, बने रहिए। वाह बहुत याद आता है यार, क्या याद आता है, यहाँ का नज़ारा, यहाँ के घर, और हमारी मम्मी इधर। मम्मी कम बैक, कम फास्ट। हमारी मम्मी से मिले हुए बहुत दिन हो गए हमको, हैं देख लीजिए मेरी मम्मी को, क्या हो ना, ठीक है, देखिए बाप रे मम्मी मेरी ठीक है, क्या हो रहा है। और हम लोग जैसे ही घर आए मम्मी हमारी कुछ ना कुछ बना रही हम लोग के लिए खाने के लिए, और बहुत ज़्यादा हम थक भी गए, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या बना खाना में? खाना बन चुकी है, दाल भात परवल का भुजिया। दाल भात परवल का भुजिया, फिर कल से हमारा वीडियो कंटिन्यू यहीं का रहेगा, घर का रहेगा, है ना। आप लोग बने रहिएगा। रूपतरा जी कहाँ गई, आते ही मेरे ख्याल से लग जैसे रहा कि वहे भूत सवार हो गया, समझे कौन भूत, देखिए आते ही सो रही होगी, हमको पूरा विश्वास। देखिए देखे देखे कि नहीं देखे, आते ही भूत सवार हो गई, आ गया और सो भी गई, आई नहीं है कि मरी हो गई। सो कोई नहीं, वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। लव यू, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और आने में हम लोग को बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो शुक्र है कि स्कॉर्पियो से आए, इनके कारण ही भाई मेरा जब भी जो 2 रुपया 1 रुपया कमाते इनके कारण ही खर्चा हो जाता, यही समझिए इनके कारण ही खर्चा। वहाँ से यहाँ आने में मात्र 3 आदमी थे ना, जैसे एक भेगनी लगा के, तो मात्र 500 रुपया का खर्च था, और लगा कितना बता, लगा कितना 1700 का खाली तेल, 1750, 1300 रुपया गाड़ी, जोड़ लीजिएगा
यानी 3000 प्लस खर्चा लग जाता है, जहाँ 500 लगना वहाँ 3000 लगता है। हमको तबीयत मेरा खराब था ना, इसीलिए हम बोले कि हमको गाड़ी से जाना। सो कोई नहीं, वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे आप लोग।